हे गाइस, वेलकम टू इम्तियाज वर्ल्ड। दोस्तों, आप थंबनेल पर देखकर समझ गए होंगे आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम हमें कई बार आते रहता, ना सॉन्ग का नाम याद रहता, ना सॉन्ग के लिरिक्स याद रहते, सिर्फ हमें उस सॉन्ग की म्यूजिक याद रहती। इसमें बहुत इरिटेट होने लगता है, मुझे भी कई बार हुआ है, क्या आपको भी हुआ है? कमेंट करके बताना। जब तक हम वो कौन सा सॉन्ग है पता नहीं लगाते, हमारे दिल को सुकून नहीं मिलता। इस प्रॉब्लम को कहते हैं ईयर वर्म। गूगल ने इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर एक नया फीचर लेकर आया है, उसका नाम है हम टू सर्च। आखिर ये गूगल कैसे कर पाता है? यानी किसी गाने के लिए हम गुनगुनाते ही एग्जैक्ट उसी गाने को कैसे पता लगाता है? चलिए, आज इस वीडियो में हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर ले तो सब्सक्राइब कर देना, और उसी के साथ बेल आइकन को भी ऑन करके रखना। इस फीचर को गूगल ने 2020 अक्टूबर में लॉन्च करा है। ये फीचर iOS और एंड्रॉइड सभी के लिए अवेलेबल है। iOS में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है, वहीं एंड्रॉइड में 20 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। गूगल कहता है फ्यूचर में कई लैंग्वेजेस में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फीचर को गूगल लेटेस्ट वर्जन में ही अवेलेबल है, जल्दी से आप लेटेस्ट वर्जन अपडेट कर लीजिए। इस फीचर को आप गूगल ऐप में जाकर माइक आइकन को टैप करके व्हाट्स दिस सॉन्ग बोलिए आ जाएगा, या आपको सर्च ए सॉन्ग का ऑप्शन देगा, उसे भी आप क्लिक कर सकते हो। नहीं तो और एक तरीका है, गूगल असिस्टेंट को बोल सकते हो जैसे कि हे गूगल व्हाट्स दिस सॉन्ग। वहाँ इस तरह का पॉपअप ओपन होगा, आपको करना कुछ नहीं है, 10 से 15 सेकंड हमिंग करना है, नहीं तो आप विजिल के रूप में भी सिंग कर सकते हो। अब यहाँ सवाल आता है, सिर्फ गुनगुनाने से गूगल एग्जैक्ट उसी गाने को कैसे पता लगाता है? गूगल ने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को इस्तेमाल करता है। जब गूगल पर आप किसी गाने को पता लगाने के लिए गुनगुनाते हो, उस ऑडियो को मशीन लर्निंग मॉडल्स नंबर बेस्ड सीक्वेंसिंग में ट्रांसफर करता है। ये सीक्वेंस किसी एक गाने को रिप्रेजेंट करता है। इन मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है किसी इंसान गाने से, गुनगुनाने से या विजिल करने से इनमें म्यूजिक आइडेंटिफाई कर सके। मशीन लर्निंग इन नंबर बेस्ड सीक्वेंस से पूरे वर्ल्ड में थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग से कंपेयर करता है। हम दिए गए ट्यून किन किन सॉन्ग से मैच हो रहा है, उन सारे सॉन्ग्स को हमारे सामने लेकर आता है। गूगल के इस फीचर को इस्तेमाल करके आप किसी भी सॉन्ग या म्यूजिक को पता लगा सकते हो। जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले हो रहा है वो आपको चाहिए, तो आप गूगल को सिंपल कह सकते हो हे गूगल फाइंड दिस म्यूजिक। मुझे लगता है ये बहुत यूजफुल फीचर है। आपका क्या राय है मुझे कमेंट करके बताना। आई होप आपको इस वीडियो में हम तो सर्च के बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और भी ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो के रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके बताना। जाने से पहले फीडबैक देकर जाना। लव यू गाइस, थैंक यू।